जानने का कोशिश करते हैं एनआरसी और सीएए को लेकर। आप लोग का क्या कहना है सीएए और एनआरसी को लेकर? सबसे पहले आज पूरे हिंदुस्तान में जो सीएए और एनआरसी के लेके जो माहौल बन चुका है, बहुत ही ऐसा लगता है कि ये हिंदुस्तान में एक हर जगह स्ट्राइक, हर लोग विरोध, गरीब से गरीब आम विरोध पर उतर रोड पे आ चुके हैं। ये सिर्फ गरीबों को परेशान करने के लिए ये चीज़ किया गया है। इसमें अमीर लोग कोई किसी को परेशानी नहीं होगी, कोई लाइन में भी नहीं लगेगा, उनका सिटीजनशिप भी हो जाएगा, उनको बिल भी सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, उनका डॉक्यूमेंट भी ठीक हो जाएगा। सिर्फ ये गरीब जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, जो कुछ मतलब स्लम बस्तियों में रहते हैं, उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो लोग खाएंगे या डॉक्यूमेंट को बनाएंगे। सबसे पहली बात, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जो खर्चा, अगर मान लीजिए 1972 का डॉक्यूमेंट अगर उनको बनाना पड़े, तो आप जान सकते हैं वो डिपार्टमेंट के इतना चक्कर लगाने के बावजूद उनके पास इतना पैसा नहीं रहेगा कि वो डॉक्यूमेंट बना सके। इसीलिए जो मोदी सरकार ने जो सीएए और एनआरसी को जो लागू करने की साजिश, जो सीए के बिल पास हो चुका है, अब सीएए हो चुका है, एक्ट हो चुका है, और एनआरसी, अब एनआरसी को दूसरे तरीके से दिखाया जा रहा है कि एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर वो करके वो दिखाने चाह रही है कि लोगों को अब उसमें क्या दिया जाएगा। अब उसमें भी एक डॉक्यूमेंट रहेगा जिसमें आप बाप दादा का, उसमें आप प्रूफ दीजिएगा कि आपके बाप दादा कब से थे। मतलब पहले जो पॉपुलेशन होता था उसमें ऐसा कोई, आप वोटर आईडी था, नागरिक है, आप पॉपुलेशन में गिनती हो जाते थे। मगर अभी क्या है, अब उसमें एक फॉर्म में 2-3-4 कॉलम ऐसे ऐड कर दिए गए हैं लोगों के बीच, जो आपको बाप दादा का भी उसमें कब से आपके बाप दादा थे, उनका आईडी, उनका डॉक्यूमेंटेशन उसमें शो करना पड़ेगा। इसीलिए जो एनपीआर को लागू करने की साजिश की जा रही है, इसके विरोध में भी लोग, ममता दीदी जब अपने वेस्ट बंगाल में बोल चुकी है कि एनपीआर हम लोग नहीं करेंगे, और एनआरसी के तो ममता दीदी ने पहले ही बोल दिया। आम जनता का यही विक्तोक है कि नोटबंदी का तरह ना हो कि सब लोग लाइन में लगे और डॉक्यूमेंट दे, और वो देशवासी हो के भी वो लाइन में लगे रहे, और मोदी जो उन लोगों का वोट को लिया है, आज उन लोगों के वोट की वजह से उनकी सरकार बनी है। गरीबों पर जुलूम ना कीजिए, आप बंद कीजिए मोदी गरीबों को सताना, नहीं तो आपका यही जो गरीब है, यही लोग जो वोट दिए, इसी कुर्सी से आपको उखाड़ फेंकेंगे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।